ओके 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 तो आज की हमारी इस क्लास में हम बात कर रहे हैं पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल मतलब कि आप नॉर्मली किसी डेटा को सिलेक्ट करते हैं, कॉपी करते हैं, कहीं पेस्ट करते हैं, जैसा डेटा है ना वैसा आपका पेस्ट हो जाता है, राइट। लेकिन कभी कभी प्रॉब्लम होती है कि हमें पूरा का पूरा डेटा पेस्ट नहीं करना है, डेटा के कुछ पर्टिकुलर पार्ट्स को ही पेस्ट करना है, डेटा के कुछ पर्टिकुलर पार्ट को ही पेस्ट करना है। ओके तो उस केस में हम पेस्ट स्पेशल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पे देखिए मैंने रैन बिटवीन का फॉर्मूला लगाया हुआ है जो बार बार नंबर को चेंज करेगा, तो आप इसे मत भूलिएगा ठीक कि क्या लगा है। रैन बिटवीन का फॉर्मूला का काम होता है रैंडम नंबर शो करना, जैसे ओटीपी होता है ना उसी तरह से। तो जब भी ठीक हम कहीं भी क्लिक करेंगे अपने आप को नंबर चेंज कर लेगा, या कुछ करेंगे तो नंबर चेंज कर लेगा। ठीक है, ठीक है जी। तो हम यहां से जब डेटा को कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद किसी जगह पे हम पेस्ट स्पेशल करते हैं, तो इसमें से कुछ पर्टिकुलर पार्ट को पेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि फॉर्मूला। तो इसमें से सिर्फ फॉर्मूला पेस्ट होगा। अब फॉर्मूला में आपने देखा है कि इसकी फॉर्मेटिंग, बॉर्डर और बाकी किसी चीज़ को इसने पेस्ट नहीं किया है। तो फॉर्मूला में कुछ लोग सवाल उठाते हैं कि जो फॉर्मूला मेनू, जो फॉर्मूला जैसे नेम में कोई फॉर्मूला नहीं है, नेम में कोई फॉर्मूला नहीं है, राइट, अब इसको क्या पेस्ट किया। तो फॉर्मूला का मतलब होता है जो फॉर्मूला बार ऊपर जो दिख रहा है ना, फॉर्मूला बार उसमें बीच वाला, चाहे नॉर्मल डेटा हो, टेक्स्ट हो, या किसी तरह का फॉर्मूला हो, बस इसी को कॉपी करके वो पेस्ट करता है। बाकी की जो फॉर्मेटिंग है वो फॉर्मेटिंग वो पेस्ट नहीं करता है, ठीक है जी ठीक है। इसके बाद ठीक है आता है जी पेस्ट एज ए वैल्यू, मतलब कि फॉर्मूला फॉर्मेटिंग हर चीज को रिमूव करके पेस्ट करना है, तो पेस्ट स्पेशल में आता है पेस्ट एज ए वैल्यू। अब वैल्यू में हुआ कि जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि डेटा है, इसे फॉर्मूला लगा है, मैं चाहता हूँ कि कॉपी करके कहीं और नहीं पेस्ट करना, कॉपी करके कहीं और पेस्ट नहीं करना, और ये रैंड का, तो जो रैंड लगाया वो तो फॉर्मूला अभी भी फिगर चेंज हो गया, मतलब वो तो एज इट इज हाँ। कॉपी नहीं हुआ। क्योंकि हमने यहाँ नहीं चेंज हुआ ना, क्योंकि यहाँ पे तो नहीं है ना फॉर्मूला, यहाँ तो फॉर्मूला है और यहाँ भी फॉर्मूला है, क्योंकि हमने फॉर्मूला ही पेस्ट किया है ना, इसलिए चेंज हो रहा है। हाँ पर नीचे नीचे तो पेस्ट जब वैल्यू किया, यहाँ चेंज नहीं होगा सर। देखिए चेंज है सर। आप नहीं समझे, यहाँ चेंज होगा या हर बार कुछ भी करूंगा या अपने आप को चेंज करता रहेगा। हाँ रैंड लेकिन बिटवीन इसको जब के वैल्यू, इसको जो वैल्यू पेस्ट करेंगे तो तो जहां वैल्यू पेस्ट किया वहां नहीं चेंज होगा, बट यहां चेंज हो जाएगा। सोर्स हमेशा अच्छा चेंज हो जाएगा, जहां डेस्टिनेशन वहां चेंज। रैंड बिटवीन की ही प्रॉपर्टी हमेशा रैंडम देता है, और इस क्लास में इसलिए आप बता रहा हूं ताकि पता चले कि यहां चेंज हो रहा है बट ये हमारा चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि ये वैल्यू हो चुका है, इसके अंदर फॉर्मूला, देखिए फॉर्मूला रिमूव ओके हो गया है। ओके 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 अब मैं चाहता हूं कि मैं फॉर्मूला रिमूव करना, मतलब हमने यहां से कॉपी करके यहां पेस्ट किया तो यहां फॉर्मूला रिमूव होके पेस्ट किया, लेकिन मैं किसी और जगह पे नहीं। जैसे मान लीजिए कि सेल्स आपका ये दिख रहा है आई कॉलन में, मैं चाहता हूं कि आई कॉलन का फॉर्मूला रिमूव हो जाए उसकी वैल्यू से, तो आप इसको कॉपी कीजिए, इसी के ऊपर पेस्ट स्पेशल, और पेस्ट स्पेशल में हमें सिलेक्ट करना है वैल्यू, राइट, और ओके कीजिए। ओके देखिए चेंज हो गया, 33 हो गया, पहले से फॉर्मूला था ना सर। ठीक देखिए है जी इसका यूज हम बहुत करते हैं। अब क्या करते हैं, जैसे चलिए कि एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं खोल के।
एक रिपोर्ट आपके खोल के दिखाते हैं। अब ये रिपोर्ट जो है ये हमारे डेटा शीट से कनेक्टेड है, राइट। डेटा शीट पे किसी तरह का हम चेंज करेंगे तो यहाँ चेंज होगा, इसमें हम इस तरह के फॉर्मूले लगा रखे हैं। अब प्रॉब्लम है कि मुझे रिपोर्ट आपको भेजना है, ठीक है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि मेरा जो सिर्फ डैशबोर्ड की शीट भेजनी है, डेटा शीट नहीं भेजनी। डेटा मेरा बहुत बड़ा है या कॉन्फिडेंशियल है, हम शेयर नहीं कर सकते, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे इस पूरे फॉर्मूले को रिमूव करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं, एक अलग फाइल में। तो पूरी शीट को कॉपी करके अलग फाइल में कैसे ले जाएंगे, तो यहाँ शीट के ऊपर करेंगे राइट क्लिक, और यहाँ दिख रहा होगा मूव और कॉपी। क्या दिख रहा है? मूव एंड कॉपी। ठीक है क्रिएट कॉपी पे क्लिक किए और ऊपर हम न्यू बुक पे क्लिक करेंगे। जैसे ही ओके करेंगे ये शीट जो है सिर्फ शीट कॉपी होके यहाँ आ गई। यहाँ दिख रहा है, ये आपका ओरिजिनल फाइल है डीए वाला, और ये आपका कॉपी वाला फाइल है। सर, ये एक बार ये दोबारा हो बता गया, दो। दोबारा बता दें। हाँ, ये ये आपने आपने जैसे जैसे इसको, इसको इसमें तो मेरे केवल डिजाइन 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 शो हो शो रहा हो है, रहा है, डिजाइन शो हो रहा है। जैसे आर्ट में आए ना, जैसे अप्लायंसेस में आए। अच्छा, यहाँ ही से ठीक ठीक है ना? है, और नाम राइट डालना क्लिक, पड़ेगा। यहाँ ठीक है, राइट क्लिक कीजिए, यहाँ राइट क्लिक कीजिए, मूव एंड कॉपी, अब क्रिएट वो मुझे आता कॉपी है। और न्यू वर्क एंड ठीक ओके। है, ऐसा करते ही आप देखिए यहाँ पे आ गए, ये मैंने जो डैशबोर्ड शीट को पूरा कॉपी करके एक नई फाइल में डाल दी, ठीक है। ठीक है जी, लेकिन ये अभी भी लिंक है हमारे, किससे? हमारे ओरिजिनल फाइल से। दिख रहा है फॉर्मूला लगा है हाँ या दिख रहा है? dss.xml support दिख रहा है ना आपको सर? इसका क्या इसका क्या मतलब है सर मतलब फॉर्मूले का? ये मेरे को समझ है नहीं, मुझे नहीं पता फॉर्मूले ये के फॉर्मूला मतलब? इतना अभी मत ज्यादा है। समझिए आप, फॉर्मूले की जब पढ़ाऊंगा तो फॉर्मूले के मतलब समझिए। अभी फिलहाल मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि मेरा जो डेटा है, मेरा जो ये सेल है मेरे डेटा फाइल से कनेक्टेड है। अब मेरे सिस्टम पे वर्क कर रहा है क्योंकि मेरा फाइल यहाँ खुला हुआ है, राइट। लेकिन आपके सिस्टम पे जाकर मैं फाइल आपको भेज दूँ तो ये फॉर्मूला वर्क नहीं करेगा क्योंकि आपके सिस्टम में ये फाइल नहीं होगा, समझे? सिंपल सी बात है, सिंपल सिंपल सी बात समझिए, आप कंफ्यूज में ही है। मैंने एक रिपोर्ट बनाया तो जाहिर सी बात है, रिपोर्ट बनाने के लिए उसके में डेटा चाहिए, ऐसे हवा में रिपोर्ट तो बन नहीं जाएगी। तो हमने एक डेटा जी, मुझे मिला, इस डेटा से हमने रिपोर्ट बनाया। अब रिपोर्ट हमारा क्या है, डायनेमिक है, मतलब मेरा डेटा चेंज होगा तो रिपोर्ट भी चेंज होगा। तो डायनेमिक कब होगा? हाँ जब फॉर्मूले से लिंक होगा, राइट। हाँ कॉपी पेस्ट होगा, अगर मान लीजिए हमने कॉपी पेस्ट कर दिया तो डायनेमिक नहीं हुआ, हर बार कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। तो ये डायनेमिक रिपोर्ट है, मतलब कि डेटा चेंज होगा तो फॉर्मूला यहाँ पे फिगर चेंज कर, जैसे सेल्स अभी देख रहा है 700 365 सेल, कल के डेट में अगर दूसरे जी मंथ का डेटा चलेगा उस पर 1000 के का सेल है तो यहाँ ऑटोमेटिकली 1000 के आ जाएगा क्योंकि उसी डेटा से कनेक्टेड है, सम वगैरह लगा हुआ है, ठीक है, अच्छा, समझ गए? अब पर ऐसे मुझे होना तो नहीं क्यों चाहिए, नहीं होना चाहिए? क्योंकि सर मैं तो बहुत सी ऐसी वर्कशीट कॉपी की है, क्योंकि वो तो जब मैं उस वर्कशीट में काम करता हूँ तो वहां तो उधर तो चेंज नहीं होता। तो मैनुअल होगा सर, ऑटोमेटेड नहीं होगा, डायनेमिक नहीं होगा ना सर। डायनेमिक अपने आप नहीं होता है, बनाना पड़ता है। इस रिपोर्ट को बनाने में 2 से 2.5 घंटे का टाइम लगा है सर। यहाँ पे देखिए आर्ट क्लिक किया तो देखिए आर्ट के अकॉर्डिंग सर चेंज हो गया रिपोर्ट, दिख रहा है सर? 122 के दिख रहा है, कितना अच्छा था हाँ, अच्छा ओवरऑल, कितना सेल था ओवरऑल? सेल था हमारा 765 के। मैं अप्लायंस का सेल देखना चाहता हूँ तो अप्लायंस पे क्लिक करूंगा तो फॉर्मूला सिर्फ अप्लायंस का सेल दिखा रहा है, अच्छा ठीक है ठीक है। जी, अब ये कैसे दिखा रहा है, ये थोड़ा सा टॉपिक अभी आप इसके लिए समझने के लिए एलिजिबल नहीं है, तो इसके लिए आप पेशेंस रखिए। अभी फिलहाल मैं इतना समझाना चाह रहा हूँ कि मुझे किसी को फाइल भेजनी है, सिर्फ इस फाइल को भेजना है। मतलब किसी ने मुझे बोला कि मुझे बाइंडर का सेल 2021 का, 2020 का, या फिर किसी चीज़ का दे दीजिए, या चलो ठीक है ओवरऑल सेल बाइंडर का सेल दे दो, राइट।
ये रहा मेरे पास बाइंडर का सेल या बाइंडर आर्ट का सेल, देख लो ये रहा मेरे पास बाइंडर आर्ट का सेल। अब ये रिपोर्ट ठीक मान है। लीजिए मुझे एबीसी पर्सन को भेजना है, हाँ अब प्रॉब्लम है कि पूरी फाइल नहीं भेज सकता क्योंकि डेटा कॉन्फिडेंशियल है, किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता, या डेटा काफी बड़ा है मेल पे नहीं जाएगा। ठीक है, ठीक 1-2 GB का डेटा है मान लीजिए, तो मुझे इस सिर्फ इस सीट को भेजना है, तो हम इस सीट के ऊपर करेंगे राइट क्लिक और करेंगे मूव एंड कॉपी, और यहाँ पे क्रिएट कॉपी जरूर कीजिए वरना मूव हो जाएगा, और ऊपर जो बुक टू दिख रहा होगा इसमें से न्यू वर्कबुक कलेक्ट करेंगे, जैसे ही ओके करेंगे पूरी की पूरी शीट एक नई वर्कबुक पे कॉपी हो जाएगी, सेम टू सेम, किसी तरह का चेंज नहीं, सब कुछ सेम रहेगा। ठीक है, ओके लेकिन ओके अभी यहाँ पे मुझे मेरा रिजल्ट्स 107 के, 145 के और 43% और बाकी सारी चीज दिख रहा है। ठीक है ना, क्योंकि क्योंकि इस फाइल में डेटा तो है नहीं, डेटा तो दूसरे फाइल में है, लेकिन जब हम हाँ कॉपी पेस्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली उस फाइल के साथ वो लिंक जनरेट हो जाता है, सिस्टम एक्सेल के हाँ अंदर बैकएंड फीचर्स है, लेकिन मेरे हाँ सिस्टम पे हो रहा है ना, आपके सिस्टम पे नहीं होगा, क्योंकि आपके सिस्टम में इसका ठीक सोर्स फाइल तो मिलेगा ही नहीं। तो प्रॉब्लम इज दैट कि मैं आपको फाइल भेजना चाहता हूं फॉर्मूला को रिमूव करके, समझे, कि ओके जहां जहां फॉर्मूलेज लगे हैं ना ये फॉर्मूलेज रिमूव हो जाए, जैसे कि यहां पे फॉर्मूला लगा है उसके जगह पे 287, इस तरह से मैनुअल हो जाए। ठीक ठीक है, है। इस तरह का मैनुअल हो जाए, तो ये कैसे करें, क्योंकि यहाँ पे एक एक करके नहीं करना मुश्किल, क्योंकि बहुत सारे जगहों पे कंटिन्यूस फॉर्मूला नहीं लगा है, यहाँ लगा है फिर यहाँ लगा है फिर यहाँ लगा है फिर यहाँ लगा है, दूर दूर है। मैं चाहता हूँ सारा फॉर्मूला एक बार में हो जाए रिमूव, सारा फॉर्मूला एक बार में क्या हो जाए, रिमूव हो जाए। तो हम क्या जी करेंगे, वन और ए के ऊपर जो ट्रायंगल है इस ट्रायंगल पे करेंगे क्लिक, इस ट्रायंगल पे क्लिक करने से क्या हुआ, पूरा का पूरा शीट सिलेक्ट हो गया। ठीक है, ठीक है। और इसके बाद इसको करेंगे कॉपी, कॉपी करने के बाद अभी चार स्लाइस में सब कॉपी हो गया, राइट। अब मैं राइट क्लिक करके यहां करूंगा पेस्ट स्पेशल, और पेस्ट स्पेशल में मैं जस्ट सेलेक्ट करूंगा वैल्यू, तो आप देखेंगे कि आपका रिपोर्ट का जो विजुलाइजेशन है, जो चार्ट्स है, बाकी जो चीजें हैं वो चेंज नहीं होगा, सिर्फ फॉर्मूला रिमूव हो जाएगा। क्या रिमूव हो गया, फॉर्मूला यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया सर। कैसे सर? नहीं, दोबारा बताएं सर, ये कैसे हुआ? मुझे समझ नहीं आया ये। कुछ नहीं करना है, पूरी शीट को सेलेक्ट करना है स्ट्रैंगल पे क्लिक करके, कंट्रोल सी हाँ से कॉपी करना है, राइट क्लिक करना है, पेस्ट स्पेशल में जाना है और इसमें वैल्यू सेलेक्ट कर देना है और ओके कर देना। ठीक है, अच्छा, ठीक है। तो पेस्ट स्पेशल जब वैल्यू करते हो ना सर, तो सिर्फ फॉर्मूला जो है उसी को रिमूव कर देता है उसके वैल्यू से, बाकी किसी तरह के डेटा, किसी तरह के स्ट्रक्चर और टेक्स्ट को छेड़छाड़ नहीं करता है। क्लियर है, ठीक अब इसको है सेव जी, करके आप किसी को भेज सकते हो आसानी से, क्योंकि मैनुअल हो गया सारा रिपोर्ट। ठीक है, ओके। तो पेस्ट स्पेशल में पेस्ट एज ए वैल्यू, जिसकी मदद से हम फॉर्मूला फॉर्मेटिंग और बाकी चीजों को रिमूव करते हैं, उसका यूज हम लोग रिपोर्ट्स पे भी करते हैं, जब किसी को रिपोर्ट्स मैनुअल करके भेजना होता है ऑटोमेशन हटा के। ओके, ठीक है जी। अब आता है पेस्ट एज ए फॉर्मेट, जो आपका ये सेल दिख रहा है मैं चाहता हूं कहीं पेस्ट करना, बट इसकी फॉर्मेटिंग पेस्ट करना चाहता हूं, तो फॉर्मेट पे क्लिक किया, ओके किया, ये आपको फॉर्मेट पेस्ट, बाकी चीजें पेस्ट नहीं। ठीक है जी। तो किसी डेटा का अगर फॉर्मेट, किसी रिपोर्ट की फॉर्मेटिंग आपको अच्छी लग रही है और चाहते हो कि सेम फॉर्मेटिंग मेरे रिपोर्ट्स पे आ जाए, तो इसका यूज कर सकते हो। हालांकि इसका यूज हम लोग, एक पेंट ब्रश दिख रहा है ना सर, इससे भी करते हैं, इस पे क्लिक कर लिया, फॉर्मेट को पिक कर लिया, फिर जहां पे क्लिक करके मैं माउस को छोड़ूंगा वहां अप्लाई। ओके, पेंट ब्रश
ये ब्रश ब्रश हाँ ब्रश फॉर्मेट पेंटर, इसका नाम है फॉर्मेट पेंटर, हाँ कैसे ठीक है, समझ गया सर? नहीं ठीक है सर, ये ठीक नहीं सर, ये फॉर्मेट है, प्रिंटर मुझे दिखाई नहीं दिया था, एक बार दोबारा बता दो सर ये। ठीक है, ध्यान से देखिए। हमने किसी भी सेल पे क्लिक किया जिसका फॉर्मेट कॉपी करना है, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक किया। फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करने के साथ आप देखेंगे हमारे माउस बटन के साथ, जो माउस का बटन है उसके माउस के आइकन के साथ एक ब्रश का सिंबल आ गया। आ गया, अब मैं हाँ जहां अप्लाई करना चाहता हूं वहां पे क्लिक करूंगा, और क्लिक करने के बाद ठीक अब जो एरिया आपको सिलेक्ट करना है, जितना दूर में अप्लाई करना है उतना एरिया सिलेक्ट करके अपना माउस पे क्लिक, जो हमने होल्ड रख रखा है उसको छोड़ देना है। है, अच्छा सर ठीक हो गया, है ठीक समझ गए? है। चलिए अब इसमें हम बात करते हैं कमेंट्स एंड नोट्स। जैसे किसी सेल्स से रिलेटेड एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको देनी है, सेल्स हुआ राइट, तो मुझे जी इसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन देना है, जो माउस पॉइंटर जाए तो दिखे अदरवाइज ना दिखे, तो उस पर ठीक हम है जी कर्सर रखेंगे राइट क्लिक, और यहाँ पे न्यू कमेंट पे आएंगे, ठीक है। ठीक है जी अब यहाँ मुझे टाइप करने का ऑप्शन देगा, मैंने डाल दिया कि दिस इज फाइनल सेल्स, ठीक है, और ठीक है ओके जी कर दिया। ओके करने के बाद अब देखिए नहीं दिखेगा, जब मेरा माउस पॉइंटर जाएगा तो दिखेगा, अदरवाइज नहीं दिखेगा, नहीं दिखा, ठीक ठीक है सर? है सर। कमेंट कैसे अप्लाई करते, समझ में आ गया? हाँ मैंने किया हुआ है सर ये कमेंट वगैरह। अब मुझे मान लीजिए कमेंट मुझे सब पे करना है, तो एक एक करना मुश्किल होगा ना, तो इसको अच्छा सर कॉपी करके इसके ऊपर ले जाइए, बट मैं सिर्फ कमेंट पेस्ट करना चाहता हूँ, मैं अपना डेटा को चेंज नहीं करना चाहता। नॉर्मल अगर मान लीजिए पेस्ट कर दिए तो कमेंट तो आएगा, लेकिन साथ साथ मेरा डेटा भी तो उड़ जाएगा ना सर। हाँ तो यहाँ हम करेंगे राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल, और पेस्ट स्पेशल में ये देखिए आपको साथ दिखेगा कमेंट एंड नोट्स, क्या दिखा, कमेंट एंड ओके ठीक नोट्स, है एंड ओके जी कीजिए तो बाकी चीजें नहीं आएगी बट कमेंट एंड नोट्स आ जाएगा। ओके ठीक उसके बाद मैं कॉपी करके कहीं पेस्ट करना चाहता हूँ, मुझे सब कुछ चाहता हूँ, इसका बॉर्डर जो लाइनिंग दिख रही है ना, लाइनिंग नहीं चाहिए, तो यहाँ पे ऑल स्पेक्ट बॉर्डर कर दीजिए, ठीक है। अब क्या होता है कि कई बार हम अपने कॉलम को अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं, इस तरह से, जिसका हम कल भी बताया था, हाँ विड्थ वगैरह अपने हिसाब से चेंज कर लेते हैं, ताकि मेरा हाँ रिपोर्ट, मेरा डेटा एक पेज पे प्रिंट आउट हो जाए, एक व्यू दिख जाए। लेकिन जब इसी डेटा को कॉपी करके किसी अनोदर लोकेशन, चाहे वो सेम शीट हो या अनोदर शीट हो, उस पे जाके हम पेस्ट करते हैं, तो मेरा कॉलम विड्थ पेस्ट नहीं होता, अब फिर से कॉलम को मुझे रिसेट करना पड़ जाता है। तो यहाँ पे हाँ हम क्या करते हैं कि पेस्ट स्पेशल यूज करते हैं, और पेस्ट स्पेशल में यहाँ हम कॉलम विड्थ सेलेक्ट कर लेते हैं, डायनो के कॉलम की विड्थ आ गई। पर ध्यान रखिएगा, कॉलम की विड्थ जब करते हैं तो सिर्फ कॉलम की विड्थ पेस्ट होगी, आपकी डेटा पेस्ट नहीं होगा। डेटा पेस्ट करने के लिए आप नॉर्मल दोबारा पेस्ट कर रहे, तो कॉलम विड्थ में आपको दो बार करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है जी ठीक या फिर आपके पास लेटेक्स एक्सेल है तो जब राइट क्लिक करते हैं तो ये आइकन दिखता है, आइकन दिख रहा है ना सर? हाँ मेरे को यही दिखते हाँ, तो पेस्ट स्पेशल का ही आइकन, पेस्ट स्पेशल का ही है, अगर इस पर क्लिक करेंगे तो पूरा आइकन दिख रहा है, दिख रहा है ना सर? हैं। हाँ जी इसमें आपको ये आइकन दिखता है, सी सोर्स कॉलम विड्थ, ठीक है जी हेलो। हाँ समझ में आया सर, हाँ जी कीप सोर्स हाँ जी हाँ कॉलम जी विड्थ, तो ये आपका दोनों इकट्ठा हो गया, ठीक है, ठीक है जी ठीक है। हाँ अब इसमें आगे बढ़ते हैं, अब इसमें अगला ऑप्शन आता है डेट। अच्छा, आपके डेटा में बहुत सारे डेट भी होते होंगे, टाइम भी होते होंगे क्या? हाँ जैसे मैंने यहाँ पे डेट रख दिया, अब हाँ इस जी ये भी फॉर्मेट है, जब आप कॉपी करते हैं डेटा को, अब पेस्ट एज ए वैल्यू कर देते हो, तो डेट इस तरह के नंबर में आ जाता है,
अब समझिए ये नंबर होता क्या है। हाँ, जो नंबर होता है ये नंबर ऑफ डेज होता है, नंबर ऑफ नंबर नंबर ऑफ डेज मतलब फ्रॉम एक दिन, एक दिन। अगर इसके ऊपर आप अगर फॉर्मेट अप्लाई करते हैं तो 1 जैन 1900 आएगा, क्योंकि आपका कंप्यूटर अच्छा कैलेंडर 1 जैन 91 से स्टार्ट है। इससे पहले के डेट डालोगे तो डेट फॉर्मेट में नहीं, वो टेक्स्ट में स्टोर होता है। ठीक है मैं यहाँ 32 करता हूँ तो देखिए आ गया फरवरी हो गया, 367 करता हूँ तो 1901 हो गया। ऐसे ऐसे 44,835 दिन करूँगा तो 1 अक्टूबर 2022 हो जाएगा। कुछ बोले हैं सर? हाँ, आपने 4 367 क्यों किया था? मैं बता रहा था आपको कि ये नंबर ऑफ डेज है। क्या है? नंबर ऑफ डेज, जो डेट आपने लिखा ओके है वो, और जब से कंप्यूटर कैलेंडर स्टार्ट हुआ है तब से कितने दिन हुए वो दिन है। जब आप डेट को टाइप करते हो तो एक्सेल आपका डेट स्टोर नहीं करता है, उस डेट तक कितने दिन हो चुके हैं वो स्टोर करता है। जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया आज का डेट है 13/10, तो 13/10 मतलब 13 अक्टूबर को स्टोर नहीं करेगा वो। एंटर मारने पर आपको 13 अक्टूबर दिख रहा है क्योंकि इसके ऊपर डेट का फॉर्मेट अप्लाई है। किसका फॉर्मेट अप्लाई है? डेट का। जब सारी फॉर्मेट हटाएंगे मतलब उसको जनरल करेंगे मतलब रिमूव ऑल फॉर्मेट, तो क्या हो जाएगा 44,847। तो 13 अक्टूबर को उसने नंबर ऑफ डेज में कन्वर्ट किया, उसने निकाला कि कंप्यूटर कैलेंडर जो 1 जनवरी 1900 को स्टार्ट हुआ था उससे, और जो डेट डल रही है 13 अक्टूबर, तब तक कितने दिन हुए, और फिर उस दिन को स्टोर करता ओके है। उसके ऊपर हमारा डेट का फॉर्मेट अप्लाई होता है। तो डेट क्या करता है कि 30 31 दिन के बाद महीना इंक्रीज कर देता है, और 365 के बाद साल इंक्रीज कर देता है, और इस नंबर को एक डेट की तरह विजुलाइज कर देता है। ठीक है सर। समझ गए? सर 1 मिनट, सर 1 मिनट, क्या हम इस 1 जनवरी 1990 को भी चेंज कर सकते हैं क्या? हाँ, इसको आप जब चेंज करेंगे, यहाँ मतलब स्टार्टिंग कैलेंडर की बात करें, कैलेंडर चेंज करने की बात कर रहे हाँ हाँ हैं? नहीं, कोई भी कंप्यूटर जो है नहीं कंप्यूटर, सर, देखो नहीं, देखो देखो सर, जैसे लिखा है लॉन्ग डेट लिखा हुआ है ना सर, क्या हाँ, लॉन्ग डेट में हम तो डेट चेंज इसकी कर सकते हैं क्या? फॉर्मेटिंग चेंज कितना कर सकते हैं। इसकी फॉर्मेटिंग से कंट्रोल शिफ्ट हैश की करेंगे तो ये फॉर्मेट आ जाएगा, या फिर आप अपने डेट में जाके बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है? अच्छा, मतलब वो स्टार्टिंग डेट चेंज नहीं कर सकते। नहीं, स्टार्टिंग डेट क्योंकि ये एक्सेल का पार्ट ही नहीं है, ये आपका कंप्यूटर का पार्ट है, ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है, और अभी तक कोई ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बना है। जो जनरली हम लोग यूज करते हैं वो यही बेस है, चाहे मैक हो, चाहे लिनक्स हो, चाहे आपका विंडोज हो, सब इसी चीज को फॉलो करते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि क्यों ऐसा किया गया। जैसे एमएस वर्ड पे, एमएस पावर पॉइंट पे, मेल पे हम लोग जनरली कोई भी डेट डाल देते हैं, जैसा डालते हैं वैसे स्टोर होता है, यहाँ ऐसा झमेला क्यों किया गया? देखिए सिंपल सी बात है, किसी भी नंबर के साथ कोई अगर टेक्स्ट ऐड है तो इस पे हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं कर सकते, ये तो मैंने बताया था आपको। तो हाँ हम इस 13 अक्टूबर पे कैलकुलेशन कैसे कर रहे हैं? मान लीजिए मुझे 20 दिन ऐड करना है कि भाई 13 अक्टूबर के 20 दिन बाद कौन सा डेट होगा, तो 13 अक्टूबर को सेलेक्ट करेंगे, 20 इस पे +20 कर देंगे तो 20 दिन बाद 2 नवंबर का डेट आ गया। ओके यहाँ कैलकुलेशन हो रहा है क्यों? क्योंकि हमने आपको पहले बताया था कि जब भी कोई कैलकुलेशन होता है वो फॉर्मूले ओरिजिनल वैल्यू के ऊपर होता है, जो ओरिजिनल में स्टोर होता है, विजुलाइज पे नहीं होता हाँ है। तो इसका ओरिजिनल क्या है? ठीक इसका ओरिजिनल है हमारा 44,847, और रिजल्ट तो कैलकुलेशन जो 20 ऐड हुआ वो आपका 13 अक्टूबर में ऐड नहीं हुआ, वो ऐड हुआ 44,847 पे, और जो डे जो मिला मुझे रिजल्ट 44,867 मिला। लेकिन जब इसके ऊपर हम डेट का फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं तो डेट इसको डेट की तरह दिखा देता है। समझ गए? तो सर, इसमें से अगर इसमें दोनों से माइनस करते हैं तो क्या 20 आएगा? जी हाँ, कर मैं करके देखे सर। इसमें मैंने माइनस कर दिया मान लीजिए 10 दिन,
तो 10 दिन पहले का डेटा आ गया, नहीं ठीक नहीं 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 इसी दो दो नंबर को माइनस करके देखते हैं। हाँ, तो इसको माइनस कर लीजिए, इसको मान लीजिए इसको -20 कर दिए तो वापस 13 आ गया, इसको माइनस कर दीजिए 100 दिन तो ये आपका आ जाएगा 25 जुलाई, ठीक है सर, ठीक है ठीक सर। है। तो मैं बात ये बता रहा था कि जब आप कॉपी करो डेटा को और पेस्ट करो और आपको ऐसा लगा कि आपके डेटा में कुछ तरह के डेट्स हैं और डेट की फॉर्मेटिंग को आप रिमूव नहीं करना चाहते हो, तो यहाँ वैल्यू एज ए नंबर फॉर्मेट या फॉर्मूले के जगह पे फॉर्मूला एज ए नंबर फॉर्मेट का इस्तेमाल करें। ऐसा करने से आपके जो नंबर फॉर्मेटिंग है, जो कि होता है ए वाली फॉर्मेट, ये दिख रहा है फॉर्मेट ए, नंबर, जनरल, करेंसी, अकाउंटिंग, डेट, हाँ टाइम, हाँ हाँ परसेंटेज, ए फॉर्मेटिंग को हाँ पेस्ट एज ए वैल्यू रिमूव नहीं करेगा। बाकी सारी फॉर्मेटिंग से बैकग्राउंड कलर है, बॉर्डर है, टेक्स्ट कलर है, बाकी सारी फॉर्मेटिंग को वो रिमूव कर देगा, समझे? तो मैं एक आपको समझाना चाह रहा हूं कि जब डेटा कॉपी करके पेस्ट स्पेशल में वैल्यू यूज करें और आपके डेटा में डेट टाइम जैसा कुछ हो, तो आप वैल्यू को इग्नोर करके वैल्यू एज ए नंबर फॉर्मेट को चूज करें, समझ गए? है? ओके ठीक है सर, क्लियर है? ठीक है सर। चलिए, तो इस अभी आज इतना काफी है, इसकी कीजिए प्रैक्टिस।